फ्रेडरिक सेल्विन ग्राउस जो मथुरा के 150 साल पहले कलेक्टर हुआ करते थे और उसके बाद 100 साल बाद डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जो मथुरा संग्रहालय के निदेशक हुए, पहले निदेशक हुए, इनकी पुण्यतिथियों का एक संयोगिक काल है कि 19 मई को ग्राउस साहब जो है वो श्रोधान करते हैं, प्रयाण करते हैं इस लोक से, और 26 मई को डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा इस दुनिया से जाते हैं सन 2006 में। तो इनके बीच का पुण्यतिथियों के बीच का जो अंतराल है वो 8 दिन का है, इसलिए पिछले वर्ष आकाशवाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था उसमें ये हुआ था कि हम एक अष्ट दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम इनकी पुण्यतिथियों के उपलक्ष्य में मनाएंगे। 19 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज 26 तारीख है, उसका समापन है। तो उस समापन के अवसर पर ये कार्यक्रम इस संस्थान के परिसर में आयोजित किया गया। ग्राउस साहब ने मथुरा संग्रहालय की स्थापना की, चौक में जामा मस्जिद है उसका जीर्णोद्धार कराया, ये गोविंद देव मंदिर जो वृंदावन में है इसका जीर्णोद्धार आपकी ही देन है, और हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। ग्राउस साहब ने ब्रज विरासत के लिए जो कार्य किया है वो उसका सही मूल्यांकन नहीं किया गया, इसलिए उनको वो महत्व और उनको वो प्रसिद्धि, वो ख्याति जो मिलनी चाहिए वो 150 वर्ष तक नहीं मिली। तो इस संस्थान के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ग्राउस साहब और डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा के संयुक्त निर्देशन में ब्रज विरासत का जो उत्थान हुआ है और उसने जो पूरे विश्व में अपनी एक छवि बनाई है, उस छवि को जनता के सामने, सरकार के सामने लाने के लिए एक प्रयास किया गया है। पहली बार आकाशवाणी के बाद में पहली बार यहाँ से जो प्रयास किया गया। डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा मथुरा संग्रहालय से जाने के बाद में राज संग्रहालय लखनऊ के डायरेक्टर हुए, उसके बाद में कलकत्ता संग्रहालय के वो इंडियन म्यूजियम के डायरेक्टर हुए, फिर दिल्ली में नेशनल म्यूजियम के वो डायरेक्टर जनरल हुए, उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर हुए भारत कला भवन में, फिर ज्ञान प्रभाव संस्था में उन्होंने कार्य किया और इस तरीके से 2006 में उन्होंने इस लोक से विदा ली। इन दोनों का कार्यकाल इतना महत्वपूर्ण है कि 1968 में ग्राउस साहब मथुरा के कलेक्टर बनकर आते हैं और डॉक्टर आरसी शर्मा 1968 में 100 साल बाद मथुरा संग्रहालय में क्यूरेटर के पद पर आते हैं। एक इनके अंदर जो एक सामयिकता है, एक जो संयोगिक इनका आना है ब्रज में, और फिर इनका जो तिरुधान है वो भी संयोगिक है। इस तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर आरसी शर्मा ने जो कार्य किया है और डॉक्टर और फ्रेडरिक सेल्विन ग्राउस ने जो कार्य किया है उसके संयुक्त मिलान को लेकर के हम ब्रज विरासत में पिछले 150 वर्षों में जो कुछ पुरातात्विक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक जो गतिविधियाँ रही हैं और ब्रज ने इतना विकास किया है उसका हम पूर्ण मूल्यांकन कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।